लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल जैसे कई देशों को बर्बाद करने वाले चीन की सड़कों पर अब टैंक उतर आए हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि जिस देश की सड़कों पर टैंक उतर आए उसके क्या हालात होंगे। दुनिया को भले ही चीन ताकतवर देश लगता हो लेकिन ये सच्चाई आधी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन अंदर से कितना खोखला हो चुका है। जिस चीन ने दुनिया के कई देशों को पैसा देकर अपना गुलाम बनाया, आज वही चीन श्रीलंका की तर्ज पर बर्बादी की कगार पर आ गया है। चीन से जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस साल की ही शुरुआत से चीन में प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं। चीन बुरी तरह से कोयले की कमी से जूझ रहा है और इससे देश में बिजली की भारी कमी हो गई है। चीन की बैंकिंग व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि चीन के एक बड़े बैंक ने ग्राहकों के खातों को सीज कर दिया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे ही हालात चीन के कई और बैंकों के भी हैं, क्योंकि इन बैंकों ने अपने ग्राहकों की रकम का इस्तेमाल दूसरे देशों में निवेश के लिए कर दिया है। चीन अपने ग्राहकों की जिस रकम का इस्तेमाल दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के लिए कर रहा था, अब वो धीरे धीरे उसी जाल में खुद फंसता जा रहा है। जब चीन के लोगों को इस बात का पता चला कि वो अपने जीवन भर की कमाई को बैंकों से नहीं निकाल सकते, तो ये सभी लोग चीन की सड़कों पर उतर आए। इन्हीं लोगों को काबू करने के लिए चीन की सरकार ने सड़कों पर टैंक उतार दिए। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें आई जो ये दिखाती हैं कि चीन किस तरह से आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। मजे की बात तो देखिए कि चीन ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना पर आंख बंद कर पैसा बहाया, लेकिन अब वही परियोजना चीन को कंगाली की राह पर ले आई है। कई देशों ने चीन की खतरनाक बेल्ट एंड रोड परियोजना का असली मकसद पहचान लिया है। इसी कारण ये परियोजना इन देशों में ठप हो गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेल्ट एंड रोड परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अब अधर में अटका हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना की आड़ में कई देशों का दोहन करने की कोशिश की, लेकिन ना तो उसकी ये परियोजना सफल हो पाई और ना ही भारी मात्रा में किया गया निवेश वापस आ पाया।